हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए आज असिस्टेंट प्रोफेसर का नया वीडियो लेकर के आ गया हूं। और दोस्तों, आज इसमें बात करने वाले हैं इंटरव्यू रिजल्ट की। तो दोस्तों, यहां पर आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के तीन विषयों के जो रिजल्ट है वो आज और जारी कर दिए हैं। और दोस्तों, फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है यहाँ पर इंटरव्यू का, और उनका कट ऑफ क्या रहा है यहाँ पर, दोस्तों कितने कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया है, और दोस्तों वेटिंग लिस्ट का जो कट ऑफ है वो क्या है, और कितना कट ऑफ यहाँ पर बढ़ा है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आपको जो ये वीडियो है वो शुरू से लास्ट तक देखना है। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आरपीएससी और आरएमएसएसबी की जो पल पल की अपडेट है वो आपको इस चैनल पे दी जाती है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। आपके सामने दोस्तों यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिस है आरपीएससी का, आज का है 30/8/2024 का है, और इसमें आप देख सकते हैं म्यूजिक वॉयलिन का ये यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने। दोस्तों, इनका जो यहाँ पर इंटरव्यू है वो 29/8/2024 को हुआ था, यानी कि दोस्तों कल हुआ था। और दोस्तों, म्यूजिक वॉयलिन की ये जो है मुख्य सूची आपके सामने, यानी कि इन कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, उनकी मुख्य सूची है। दो कैंडिडेट को फाइनल रूप से सेलेक्ट कर लिया है, और इसका जो कट ऑफ है जनरल का, यानी कि जो मेल है जनरल कैटेगरी का यानी कि पुरुष का, वो 99.13 पे कट ऑफ है। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स है वो 224 में से है, यानी कि दोस्तों 200 नंबर का पेपर था और 24 नंबर का इंटरव्यू। क्योंकि दोस्तों कई कैंडिडेट यहाँ पर मैसेज में पूछ रहे थे कि आउट ऑफ कितना है, तो दोस्तों मैं बता दूँ 224 में से ये रिजल्ट अब जारी किया जाएगा इंटरव्यू के बाद में। तो दोस्तों, ये इसका जो है मुख्य सूची का रिजल्ट है, और इसका जो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का जो रिजल्ट है वो भी आपके सामने है। तो दोस्तों, आरक्षित सूची में यहाँ पर लगभग दो कैंडिडेट को रखा गया है, और उसके रोल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका दोस्तों यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट का जनरल का जो कट ऑफ है मेल का, वो 92.69 है। अगर वो दो कैंडिडेट किसी कारणवश यहाँ पर अगर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो इन कैंडिडेट को, यानी कि इस प्रतिशत वाले इन दो कैंडिडेट को यहाँ पर लिया जाएगा। दोस्तों, साथ में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनकी जो DOB है वो यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ तक के कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया है। अब दोस्तों, मैं बता दूँ कि यहाँ पर कट ऑफ कितना बड़ा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था तो 6 कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया था, और इनका जो कट ऑफ है उस समय 65.66 पे था जनरल का कट ऑफ, और दोस्तों अभी कितने पे है, 99 पे। तो लगभग दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 30 के करीब, यानी कि 27 से लेकर 30 के करीब यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है वो बढ़ चुका है, यानी कि 65.66 ये वो कट ऑफ है जब इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया था, और अभी जो फाइनल जो कट ऑफ है वो आपके सामने 99.13 है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हर विषय में अलग अलग तरह से नंबर बढ़ रहे हैं। किसी में ज़्यादा कैंडिडेट है तो उसमें ज़्यादा बढ़ रहा है, और किसी में कम कैंडिडेट है तो उसमें जो कट ऑफ है वो कम बढ़ रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले रिजल्ट की। तो दोस्तों, यहाँ पर म्यूजिक वॉयलिन के अलावा आपके सामने यहाँ पर जो म्यूजिक तबला है वो रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है, और दोस्तों इसकी जो मुख्य सूची है वो आपके सामने है। इसमें दो कैंडिडेट को यहाँ पर जो फाइनल रूप से सेलेक्ट किया गया है म्यूजिक तबला में, और इसका जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का वो 131.72 है। ये भी 224 में से है, यानी कि आउट ऑफ 224 में से कट ऑफ है। ये मुख्य सूची का है। अगर ये दोनों कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है आरक्षित सूची जिसे यहाँ पर जारी किया गया, उसके लिए भी दो कैंडिडेट को यहाँ पर जो रोल नंबर है वो जारी किए गए हैं, और इसका जो कट ऑफ है वो 128.57 पे रहेगा। अगर वो कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होते हैं, यानी कि वो किसी कारणवश यहाँ से अगर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो फिर इन दो कैंडिडेट को लिया जाएगा जिनका कट ऑफ भी यहाँ पर बताया गया 128.57 पे। तो दोस्तों, ये तो फाइनल कट ऑफ और वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ है, और जब 6 कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था उनका जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं 101 पर है, यानी कि 101.26 पर 6 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, और अब जो फाइनल इनका जो कट ऑफ है वो आपके सामने है लगभग 131, यानी कि दोस्तों इसमें भी 30 से लेकर 31 नंबर यहाँ पर इंटरव्यू में बढ़ चुके हैं। और इसके बाद में अब तीसरा जो रिजल्ट है वो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, यानी कि म्यूजिक तबला के बाद में वो है पंजाबी विषय का। तो दोस्तों, पंजाबी विषय की जो मुख्य सूची है उसमें यहाँ पर एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है जिसका रोल नंबर यहाँ पर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी कट ऑफ नहीं है जनरल कैटेगरी का, लेकिन यहाँ पर इस सीट को जो है हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसकी सहायता से यहाँ पर भर दिया गया है। ये तो था दोस्तों इसका मुख्य सूची का। और दोस्तों, इसकी जो विचारित सूची है आरक्षित सूची, अगर ये कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होता है तो वेटिंग लिस्ट में एक कैंडिडेट को यहाँ पर रखा गया है पंजाबी विषय में। इसका जो कट ऑफ है वो 152.31 पे रहेगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर अभी जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण से जिस कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो 152 से ज़्यादा नंबर वाला है, और अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो फिर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट वाले इस कैंडिडेट को यहाँ पर लेंगे जिसका कट ऑफ 152.31 है। और दोस्तों, इसका उस समय जब वेटिंग के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, तीन कैंडिडेट आप देख सकते हैं इनके रोल नंबर, तीन कैंडिडेट उस समय यहाँ पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे, और उनका जो कट ऑफ है उस समय 127.04 जो जनरल कैटेगरी का है वो कट ऑफ रहा था, और पीएच कैटेगरी का 55.79 पे रहा था।
ये दोस्तों इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला कट ऑफ है और जो फाइनल कट ऑफ है वो आपके सामने है 152.31। ये दोस्तों ये जो आपके पास में आपके सामने यहाँ पर जो ये कट ऑफ दिख रहा है ये वेटिंग लिस्ट का है और जो फाइनल मुख्य सूची का जो कट ऑफ है 152 से यहाँ पर ज़्यादा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका जो रिजर्वेशन है वो नहीं बताया गया है, केवल पीएच कैटेगरी का ही कट ऑफ यहाँ पर बताया गया है 52 से 58, यानी कि दोस्तों इसमें लगभग 6 से 7 तक नंबर यहाँ पर बढ़ चुके हैं और इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि लगभग 20 से 30 के मध्य जो नंबर है वो यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये कट ऑफ है इनका, यानी कि फाइनल जो इंटरव्यू के बाद में, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 10 से लेकर के यहाँ पर 50 तक के बीच में या इससे ज़्यादा भी यहाँ पर नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल जो कट ऑफ है वो जारी हो रहा है इंटरव्यू के बाद में और जो कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है उनका भी जो रोल नंबर वगैरह वो पहले ही जारी किया जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।